18 घंटों में जरीपटका में दो हत्या, दो मामलों में 7 अरेस्ट। घर से कुछ ही दूरी पर हुई घटनाएं, लगातार हत्याओं से परिसर में दहशत। महापौर दयाशंकर तिवारी भी कोरोना की चपेट में आ गए, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने उनके संपर्क में आने वालों से जांच कराने की अपील की है। अप्रैल की शुरुआत के साथ ही धूप भी तेज हो रही है, जिसके चलते चटके से लग रहे हैं, गर्मी के भी तेवर चढ़ गए हैं। शुक्रवार को सिटी का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 20.3 डिग्री सेल्सियस रहा। अपने अंधे प्यार की खातिर शादीशुदा महिला ने पति को धोखा दे दिया, अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति के घर से नकद और लाखों के आभूषण तो लेकर गई, साथ में अपनी बच्ची को भी ले भागी। सिटी सहित जिले में कोरोना के नए स्ट्रेन ने आतंक मचा रखा है, मृत्यु के मामले में जिला राज्य में अव्वल बना हुआ है, वहीं पॉजिटिव भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। शुक्रवार को जिले में 17,090 लोगों की जांच की गई, इसमें 4,108 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। अब तक जिले में 2,33,776 लोग संक्रमित हो चुके हैं। पाशपावली पुलिस थाना अंतर्गत मकान की फर्जी दस्तावेज बनाकर उसका 1,51,00,000 में सौदा करने का मामला सामने आया है। इस प्रकरण में पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सतरंजीपुरा स्थित बैडमिंटन हॉल तथा डिप्टी सिग्नल में संजय नगर मनपा स्कूल में महानगर पालिका द्वारा निःशुल्क वैक्सीनेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही पूर्व नागपुर में अब कुल 6 स्थानों पर वैक्सीन दी जा रही है। फेसबुक से हुई दोस्ती को प्यार में बदलकर शादी का झांसा देकर युवती का यौन शोषण करने वाले युवक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इसकी भनक लगते ही आरोपी युवक फरार हो गया।